हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 एलपीजी सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को जेकेपीएससी और यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत एनसी के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ। हमने तय किया है जिला रजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे, जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहां पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा, और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को जोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम कर। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्व स्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर, जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस न आए, ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। आईटी हब की स्थापना दोनों जगह करेंगे, जम्मू और कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आईटी का